नहीं, शुरुआत एक्टिंग से हुई और अंत भी एक्टिंग से ही होगी। बीच में भी एक्टिंग ही करता रहा, क्योंकि एक बार इंसान जो है अगर सोच ले कि वो अभिनेता है तो और अभिनेता उसको बनना है तो जिंदगी भर फिर अभिनेता ही बनता है। लेकिन उस अभिनय के दायरे में बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं जो वो करना चाहता है। और इसलिए मैंने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, एंकरिंग किया, होस्ट किया। मैं समझता हूँ कि एक इंसान जो अभिनेता होता है वो हमेशा के लिए अभिनेता होता है। वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो मैं शुरू में भी अभिनेता था, बीच में भी अभिनेता था, अब भी अभिनेता हूँ और आगे भी अभिनेता ही रहूँगा। लेकिन उस अभिनय के दायरे में बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो इंसान करना चाहता है, और इसलिए मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ। मेरे लिए एक नई किस्म की चुनौती थी। मैं समझता हूँ कि गायकी जो है वो भी अभिनय से ही जुड़ी हुई है। एक अभिनेता को एक अच्छा गायक भी होना चाहिए, और पहले बहुत सारे जो अभिनेता थे वो गायक भी थे, गायक रह चुके हैं। बच्चन साहब इसकी एक जीती जागती मिसाल है कि वो एक अभिनेता भी हैं, सारे गाने, बहुत सारे गाने अपने उन्होंने खुद के गाए हैं। तो इस एक्टिंग के सफ़र में कई सारी मंजिलें आईं, कई सारे मकाम आए, और गायकी से मेरे ख्याल से हर इंसान जुड़ा रहता है, क्योंकि संगीत ज़िंदगी में है और संगीत हर किसी की ज़िंदगी में है, और ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी में भी था और कुछ ज़्यादा मात्रा में था। और ये शौक नहीं, मतलब एक जुनून के हद तक पहुंच चुका था। तो मुझे ये मालूम था कि एक दिन मुझे अपने लिए गाना गाना है और अपना एक एल्बम होगा, और इस वजह से मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, रियाज़ किया। और चूंकि अब ये एक ऐसा जॉनर है जहां आप गाना भी गाते हैं और आप दिखते भी हैं, अपने म्यूज़िक एल्बम के वीडियो जो बनते हैं उसमें आप दिखते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक नई चुनौती थी, तो उसके लिए एक नए रूप की ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि मैं दर्शकों के सामने आऊँ तो बिल्कुल एक नया चेहरा लेके आऊँ, एक नए तरीके से आऊँ, जिसे देखकर दर्शक सराहें भी और थोड़ा चौंके भी। और इस वजह से, उस कोशिश की वजह से, ये जो आप नया रूप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल उस रूप से अलग है जो कल तक था। कहीं कभी कोई ऐसी परेशानी जैसे टाइप में कि अरे यार तुम कैसे सिंगिंग कर सकते हो, कोई कभी एक पुशबैक आई है कभी? हाँ, देखिए अड़चने तो हमेशा जिंदगी में रहती हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में लोग आपको इनकरेज करने वाले बहुत कम मिलते हैं और डिस्करेज करने वाले ज़्यादा रहते हैं। जो सामने से भी डिस्करेज ना करें वो पीछे से यही सोचते हैं, यार क्या करेगा ये पता नहीं इसका नया फितूर है, ये थोड़ा बहुत गा के चुप हो लेगा या नहीं गा पाएगा, या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ना गा पाए, ज़िंदगी में ना गा पाए। तो वो बाधाएँ तो रहती हैं, मानसिक रूप से वो अड़चनें सामने आती रहती हैं, लेकिन अगर आपने चुनौती को स्वीकार कर लिया है तो फिर उन बाधाओं के बारे में कभी नहीं सोचना, क्योंकि जितना आप सोचेंगे वो उतना आपको परेशानी में डालेगा। मैंने सिर्फ एक मेरा ध्येय था और एक लक्ष्य था, बिल्कुल मछली की आँख की तरह, कि मुझे उसको ही भेदना है और मुझे गायकी करनी है, और दुनिया की कोई ताकत जो है मुझे इससे रोक नहीं सकती है। तो मैं जानता हूँ कि पीठ पीछे बहुत लोगों ने कुछ कहा भी होगा, सोचा भी होगा, कुछ आलोचना भी की होगी, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी में कि आप बोल के नहीं, अपने काम के ज़रिए लोगों को चुप कराएं, क्योंकि जब काम सामने आता है, लोग देखते हैं, तो फिर उनकी बात ये समझ में आती है कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत की गई है।